पांचवा प्रश्न, क्या एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, फाइव यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर वन तथा एक्स बराबर दो पर सतत है। तीनों बिंदुओं पर देखने के लिए हमें तीनों बिंदुओं पर सततता की जांच करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि यह फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर एक जैसा नहीं रहता है। एक से छोटा मान जब एक्स ग्रहण करता है या एक तक एक के बराबर तो एफ एक्स बराबर एक्स परिभाषा लगती है इसकी, लेकिन जब एक्स जो है एक से बड़ा आता है तो एफ एक्स बराबर पांच हो जाता है। ये यानी दो परिभाषाएं ग्रहण करता है, एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान छोटा है बराबर एक के, और एफ एक्स बराबर आता है पांच जब एक्स बड़ा है एक से। तो जीरो जो है एक से छोटा है तो परिभाषा ये रहेगी, एक के लिए दोनों परिभाषा लगेंगी, छोटे के लिए ये, बड़े के लिए लिमिट निकालेंगे, और दो वाले के लिए सिर्फ ये परिभाषा लगेगी। यहां तक अगर समझ में आता है तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो एक्स बराबर जीरो पर हम देखते हैं सततता की जांच, कंटिन्यूटी की जांच। तो एफ जीरो का मान निकालेंगे पहले। एफ जीरो का मान इस सूत्र से निकलेगा, यानी एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यानी एफ जीरो का मान जीरो है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यही सूत्र लगना एफ एक्स बराबर एक्स। तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे तो यहीं पर रखेंगे जीरो माइनस एच, और साथ में आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे एच की जगह जीरो जब टेंड करेगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो। समीकरण दो, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बराबर लिमिट, अब की बार जीरो प्लस आएगा एफ जीरो प्लस एच, परिभाषा फिर से वही लगनी है क्योंकि जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो एक से छोटा ही रहता है। जीरो से बड़ा का मतलब है बहुत छोटी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो से बड़ा पांच भी है तो पांच एक से छोटा हो जाए, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है, 0.00000 एंड 0.01 की तरह। तो ये नहीं सोचना चाहिए जीरो से बड़ा अगर है तो क्या एक से बड़ा नहीं होगा, मान लीजिए पांच जीरो से बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है। तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच, जब एच जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा तो ये जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। समीकरण एक दो तीन से सबसे देखते हैं ये जीरो आता है, लिखेंगे यहां पर समीकरण एक दो तथा तीन से, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच बराबर है एफ जीरो, और सब कुछ मिला के ये है जीरो। अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, यहां पर लिखेंगे अतः एक्स बराबर जीरो पर
फलन सतत है। अब हम x बराबर 1 पर देखेंगे, फिर x बराबर 2 पर। x बराबर 1 पर देखते हैं, x बराबर 1 पर f1 निकालेंगे। इस परिभाषा से देख रहे हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बराबर, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स बराबर एक्स आना चाहिए। तो हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये परिभाषा से 1 आएगा मान इसका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, बराबर लिमिट एस टेंड्स टू 0, चाहे 1 एक्स बराबर 1 पे निकालें या 10 पे निकालें, यहाँ एस टेंड्स टू हमेशा 0 ही होगी क्योंकि बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीजमेंट है। तो एफ 0 माइनस एच करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, परिभाषा यही लगनी है। लेस देन वाली इसके लिए भी, क्योंकि यहां पर तो 1 माइनस एच आएगा। जिस बिंदु पे निकालते हैं वही बिंदु यहाँ आता है, तो एक से छोटे के लिए तो यही परिभाषा लगेगी। तो 1 माइनस एच ही आएगा, कुल मिलाकर के 1 माइनस 0 ये भी 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 1 प्लस एच आएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, और इसका मान x से बड़ा हो गया 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीजमेंट, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ये लगेगा यानी कि 5। अब ये 5 आता है तीसरा समीकरण, एक से एक आता है, एक आता है, पांच आता है, बराबर नहीं है। समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ 1 माइनस एच is not equal to limit h tends to 0, f 1 plus h is not equal to 0, not equal to f 1। अब यहाँ आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जैसे है ही नहीं, जब सब बराबर आते थे तब लिखते थे। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। आगे हम x बराबर 2 पर देखते हैं, x बराबर 2 पर सततता की जांच करेंगे। कंटिन्यूटी देखेंगे इसकी, x बराबर 2 पर तो पहले f2 निकालना है, f2 2 पर चाहे 2 से कम हो फिर भी 1 से बड़ा होगा, 2 पर तो है ही 1 से बड़ा और 2 से बड़े के लिए तो 2 1 से बड़ा है ही, इसलिए ये हमेशा fx बराबर 5 ही परिभाषा लगेगी। तो इस पर तो क्लियर सतत होगा ही होगा क्योंकि f2 का मान 5 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ 2 पर निकालना है तो 2 माइनस एच,
बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये तो पांच ही आना है, इसका मतलब है ये पांच आएगा क्योंकि एच आया ही नहीं है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आएगा। राइट हैंड लिमिट देख लें, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच आएगा, बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो और यहाँ टू प्लस एच आए, फिर भी यहाँ पे पांच ही रहना है क्योंकि तीनों केसेस में परिभाषा सेम है, इसलिए ये भी पांच आएगा। समीकरण तीन, समीकरण एक दो तथा तीन से लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच बराबर है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच के, और ये बराबर है एफ टू के, और सब मिलकर बराबर है पांच के। अतः एक्स बराबर दो पर फलन सतत है। सतत है।